नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव, आप देख रहे हैं ग्लोबल वॉइस न्यूज। और आज हमारे साथ जो दिल्ली का गोंडा जिला है उसके बीएसपी के जिला अध्यक्ष हैं सुभाष पहलवान जी हैं, और ये एक बड़े जुझारू कार्यकर्ता हैं बीएसपी के, बड़े गद्दावर नेता भी हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे, जो 2019 लोकसभा चुनाव भी है और उसके बाद बिल्कुल तुरंत ही यहाँ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो सर, क्या लगता है कैसा समीकरण बनना सर इस गोंडा जिले में? समीकरण बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। दिल्ली की जो जनता पहले भटकी हुई थी वो अब दोबारा से बीएसपी के पाले में आ चुकी है, और यहाँ से मैं बात करूँ तो उत्तरी पूर्वी लोकसभा की जो बीएसपी की सीट है, एक तरफा कोई कैंडिडेट हमारे कैंडिडेट के सामने खड़ा नहीं है, एक तरफा जीत है। सर, आपने उत्तर पूर्वी की बात करी है, अगर देखा जाए जो गोकुलपुरी विधानसभा, वहाँ से एक पहला विधायक मिलता है बीएसपी को, क्या लगता है एक पहला सांसद फिर यहाँ से मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहला जो हमारा उत्तर गोकुलपुरी विधानसभा के विधायक हैं, आज की तारीख में वो दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जब यहाँ से एक विधायक निकल सकता है तो सबसे पहले बहन जी का जो चुना हुआ कार्यकर्ता भाई राजवीर सिंह जी को बहन जी ने भेजा है, इसी उम्मीद से भेजा है कि सबसे पहली सीट उत्तरी पूर्वी लोकसभा की निकलेगी। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 की 7 जो है बीएसपी के पाले में आने वाली है। मैं सुभाष जी, मैं एक बात करूं, जब 2008 या 7 का अगर हम पीरियड देखें तो बीएसपी का 13-14% वोट बैंक था यहाँ पर, और वो अब घटते घटते 1 point कुछ पे आ गया। तो ऐसी क्या वजह रही जो बीएसपी का वोट बैंक इतनी तेजी से गिरा और गिरावट आई, घटा? घटने का तो ये है कि कुछ लोग बहक जाते हैं समय के साथ में, लेकिन अब वो लोग समझ गए हैं कि हमारा हित किसी में नहीं है। और ख़ास करके मैं ये कहूँ कि सर्वजन, ना मैं किसी एक कास्ट की बात कर रहा हूँ, ना किसी धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं सर्वजन की बात कर रहा हूँ, कि सर्वजन समझ गया है कि हमारा हित बहुजन समाज पार्टी में है, अन्यथा किसी पार्टी में नहीं है। सर, जैसे बहुजन समाज पार्टी को यूपी में एक बड़ी पार्टी माना जाता है, वहाँ के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अपनी एक पार्टी समझते हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हो पाया जो कि बहुजन समाज पार्टी अपनी यहाँ जगह बना सकती, पकड़ बना सकती। और हमने लोगों से बात भी करी है तो जो दिल्ली का जो दलित समाज है वो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं करता, तो इसके पीछे क्या रीज़न रहे हैं, ऐसी क्या समस्याएं हैं या कहाँ कमी रही है? जैसा आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी को जो दलित है वो वोट नहीं करते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी वो अंधकार में जी रहे हैं। जब उनकी आँखें खुलेंगी वो समझेंगे बात को, और जो समझ चुके हैं वो ऑलरेडी बीएसपी में आ चुके हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज है उसके लोगों को लोग बहका लेते हैं, वैसे बहुजन समाज के लोग बड़े शरीफ होते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है? हाँ, ये तो मैं कहूँगा कि हमारे जो बहुजन लोग हैं वो बहुत ही नरम दिल और बहुत ही कोमल मन के होते हैं। मैं ये कहूँगा कि ठीक है कि कुछ समय के लिए बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन अब हमारा जो दलित समुदाय है वो जाग चुका है और अपने अधिकारों को, अपने हक को वो लेने के लिए अग्रसर। सर, 2020 का विधानसभा का चुनाव दिल्ली का नज़दीक है, अगर आपको कोई बीएसपी पार्टी तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो क्या उसको आप निभाएंगे एक्सेप्ट करने? मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता ही बन के रहूँगा, अगर जो बहन जी का आशीर्वाद रहा तो देखेंगे फिर। क्या पूरी तैयारी है आपकी विधानसभा चुनाव लड़ने की? नहीं, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि पूरी तैयारी मेरी विधानसभा चुनाव लड़ने की है, मैंने तो बहन जी का आदेश का पालन करना है, बहन जी जैसे जैसे आदेश करती रहेंगी वैसे वैसे मुझे उसका पालन करना। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ गोंडा जिले के अध्यक्ष हैं और बीएसपी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने कहा 2019 लोकसभा चुनाव है, जो उत्तरी पूर्वी लोकसभा का प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह, वो पूर्ण बहुमत से यहाँ से एक पहली सीट, पहला जो विधायक यहाँ से मिला और पहला लोकसभा जो सांसद मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, और बीएसपी इस बार बहुत आगे बढ़ रही है वोट परसेंट में भी और ग्रोथ करेगी। कैमरामैन देव के साथ मैं गजेंद्र जाटव, दिल्ली।